भैया आप रखिए इधर, आप लोग चाय कौन लेगा? चाय कॉफी कॉफी कोई हो, कॉफी कॉफी चल जाएगी। चलो कॉफी का हमारा लगता है पूरा कार्यक्रम रहने नहीं बैठो तो हल्की चीज हूँ। आप मैं फीकी चाय, आप चाय चाय लोगे फीक? मैं दोनों में से कोई भी चल जाएगा जो आप बनाए। हल्की कुछ वीडियो दे, कल के कार्यक्रम वीडियो दे दीजिए सर। के लिए हम एक विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि बड़ा ही दुख का और खेद का विषय इस समय हमारे सामने ये आया कि उन्हीं इन लोगों ने जो कार्यक्रम आयोजक थे, इन लोगों ने बार बार आग्रह किया, हमसे गार्जियन मिलने पहुंचे, फिर ये लोग पीठ पर आ गए वृंदावन में, और इन आयोजकों ने हमसे बार बार अनुरोध किया कि आप जो है कार्यक्रम वाले दिन यहाँ पर शिला पूजन के लिए लेके आइएगा। हम शिला पूजन को लेके आए, लेकिन इन आयोजकों को शायद ना तो समझ है, ना समझ लोग थे इन लोगों ने कि जब प्रभु किसी को स्थापित करते तो प्रभु की पूर्ण रूप से विधि विधान से पूजन होता है, अर्चन होता है, जो भोजन व्यवस्था होती है, जब तक भोग नहीं लगता तब तक कोई भी भोजन प्रारंभ नहीं होता। तो आयोजक मंडल में कुछ लोगों ने वहाँ पर कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का बहुत प्रयास किया और हुआ भी, वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं था, भगवान को भूलकर वो लोग अपनी महिमा मंडल पर लग गए। वहाँ पर हमारे भजन प्रभाग जो कि हमने दिल्ली से बुलाए थे, टी सी जी के भजन प्रभाग हैं विकल्प खरे जी, वो भी आए हुए थे, जिनूर पीठ के भजन सम्राट हैं वो, उनको भजन गाने थे भगवान चित्रूप जी के, लेकिन वहाँ पर आयोजकों ने बड़ा गलत तरीके से फिल्मी गाने चलवाए, अन्य भजन गाने करवाए, लेकिन प्रभु की महिमा का वर्णन नहीं हुआ। इस बात का हम सबको खेद भी है और दुख